अरे अरे वो गुड़िया ही है या कुछ और? अरे कोई कोमल जी के सामान को हाथ लगाए उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्यों दखलंदाजी कर रही? उन्हें अपना काम करने दीजिए ना। हेलो भाई, अभी नहीं तो बाद में ही सही, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी कि इन गुड़िया में क्या है। अंकल जी, आपको कोई एतराज तो नहीं है? कौनो आपत्ति? नहीं नहीं, हमको क्या एतराज हो सकता है भाई। तुम दोनों इकट्ठे बिजनेस करते हो, एक दूसरे की मदद करते हो, तो अच्छी बात है। अरे चलो भाई, अंकल जी ने बोल दिया है, जाओ रखो अंदर, जाओ जाओ जाओ। सही मौका देखकर मैडम जी को घर के पेपर्स दिखाने होंगे, तभी वो मानेगी कि मैं सुमेंद्र। बड़ों का आशीर्वाद ले लो। बस बस बस, खुश रहो बिटिया, विजयी होकर लौटो। हाँ, शाबाश। बस बस रहने दो, ना घर में तो कभी आदर्श गृहिणी बन ना पाई, आदर्श गृहिणी का खिताब क्या जीतेगी वो तो राम ही जाने। ये जो तुम्हारी आदत है ना, वो किसी से छुपेगी ना, मुंह के बल गिरोगी। तो क्या जरूरत है जाने की, हाँ रहने दो। अरे अम्मा जी, ऐसे काहे कह रही हैं? वो बाहर जा रही है तो आशीर्वाद दीजिए ना। ठीक है ठीक है, अच्छे से कर लेना। हाँ? अच्छा सरोजनी, सुमेंद्र बचुआ का भी आशीर्वाद ले लो। आपकी जीत में ही हमारी जीत है मैडम जी। हम इस ब्रह्मांड की हर शक्ति से दुआ करेंगे कि आपकी जीत हो, चाहे आप ही जीतेंगे। खुशी खुशी जाओ। अरे हमारी बहुरिया जैसी तो कोई बहुरिया है ही ना। ये तो प्रतापगढ़ की औरतों की प्रतियोगिता है, अगर पूरे यूपी की नहीं, अगर पूरे ब्रह्मांड की औरतों की भी प्रतियोगिता होती ना, तो हमारी बहुरिया ही जीतती है। जीतना तो है ही मुझे, इस घर को बचाने के लिए, आप सबको बचाने के लिए। ऐसा जी तैयारी हो गई? नहीं माँ जी, बस एक काम बाकी है, उसे निपटा कर आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, फिर प्रतियोगिता में भी तो पहुंचना है ना, जाओ। और हमारे तीसरे जज हैं कोमल सिंह, जिन्हें प्यार से लोग बाप भाई बुलाते हैं। तालियां।
अब मैं अपने आज के हिस्सा लेने वाले सभी कंटेस्टेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सभी मंच पर आ जाएं। अंजना वाजपेयी, पारुल गौतम, नीलू चौधरी, वंदना गौर, सरोजनी सोमेंद्र सिंह, और आज की हमारी छठी कंटेस्टेंट हैं गुलाबो। गुलाबो जी प्लीज जल्दी आइए, टाइम निकला जा रहा है। हमको भाग नहीं लेना। गुलाबो जी अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप भाग भी लेंगी। आपके सामने इतना अच्छा मौका है, आप क्यों बेवजह घबरा रही? आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। और आप डरिए मत, अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा तो आप कह दीजिएगा कि ये सब आप उन्हीं के लिए तो कर रही हैं। और जब आप एक बार हिस्सा ले लेंगे कंपटीशन में, फिर वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर मैं भी तो आपके साथ हूँ। मना तो ये अम्मा यहाँ क्या कर रही है? बोल, ये फालतू का ड्रामा में हिस्सा लेने का कोई जरूरत नहीं है। कोई से भी करके सुन, निकाल यहां से। अरे हमको चलते तो हमारी वजह से काहे तुम पंगा ले रही हो इसके साथ? हैं, तुमसे भी खार खाएगा, हम दोनों को मार डालेगा, जाने दो। मेरे होते हुए कोमल आपको कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मत डरिए। आप उसकी माँ है, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, यकीन कीजिए। आइए। इसलिए तो हम आप पर गर्व करते हैं मैडम जी। हमारे सभी कंटेस्टेंट मंच पर आ चुके हैं, अब मैं अपने जज से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें पहला राउंड शुरू करने का आदेश दे। तो शुरू करें, ऑल द बेस्ट। गो अहेड, ऑल द बेस्ट। कोमल जी प्लीज आप भी हमें आदेश दीजिए। अरे हाँ हाँ, चलो ऑल द बेस्ट। तो आज के हमारी इस राउंड का नाम है भूखे को खिलाना, रोते को सुलाना। इस
राउंड में सभी कंटेस्टेंट तीन तीन करके आगे आएंगे और बच्चे को चुप कराएंगे। ये हमारे राउंड का पहला टास्क है। जो भी कंटेस्टेंट तीन मिनट में बच्चे को चुप कराएगी वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। इसी तरह बाकी की तीन आएंगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तीन पहले कंटेस्टेंट यहीं पर रहें, बाकी तीन नीचे जाकर बैठ जाएं नेक्स्ट राउंड के लिए। टाइम स्टार्ट होता है अब। गुलाबो जी, मुझे बच्चे संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे पगली, एक औरत को बच्चा संभालना सीखने के लिए कोनो ज्यादा वक्त थोड़े ना लगता है। बस अपने अंदर की ममता को जगाना होता है, समझी? लास्ट एक मिनट और बचा है आप सबके लिए। लास्ट 30 सेकेंड लेफ्ट। टाइम स्टॉप, टाइम खत्म हुआ। तो अंजना और पारुल के बच्चे तो सो गए, लेकिन नीलो जी के बच्चे अभी भी रो रहे हैं। हमारे जजेस कितने पॉइंट्स देते हैं। लेकिन फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद हमारी बाकी की तीनों प्रतियोगी आ चुकी हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। गुलाबू जी, ये तो चुप ही नहीं हो रहा, अब क्या करूं मैं? बच्चे को सुरक्षा दो, उसे सुरक्षित महसूस होगा तो वो तुरंत चुप हो जाएगा। कोशिश करो, देखो। ऐसे ढक के इसको ढको ऐसे। हाँ, ये चुप तो हो गया है, लेकिन अभी सोएगा कैसे? एक काम करो, कुछ ऐसा करो जिससे उसे और आराम मिले, और फिर एक मीठी सी लोरी गा के सुनो, तुरंत सो जाएगा। करो, देखा था लोरी? हाँ। चलो हम सुनाते हैं, हमारे साथ साथ तुमने का। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों
इससे तो फिर से रोना शुरू कर दे। अब क्या करूं? ध्यान से देखो किस तरह रो रहा है। बच्चे के रोने के तरीके से ना पता चल जाता है कि वो किस लिए रो रहा है, उसे क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। अगर बच्चा जोर जोर से चिल्ला कर रोए ना और अपना हाथ मुंह की तरफ ले जाए, मतलब उसे बहुत भूख लगी है। और अगर बच्चा रुक रुक कर रोए, अपने हाथ आंखों पर ले जाकर मले, तो समझो कि उसे बहुत नींद आ रही है। हाँ, और जब बच्चा बहुत ज्यादा रोए, अपने हाथ पैर पटक कर जमीन पर रोए, तो समझो कि उसका वो ड्राइपर चेंज करने का वक्त आ गया है। वो क्या कहते, ड्राइपर समझ रही हो, लंगोट लंगोट। हाँ, इसका ड्राइपर चेंज करना पड़ेगा। ए! अरे क्या हो रहा है, गलत है। अरे क्या कंपटीशन है, ये काय मदद करेगा? हाँ, ये सब नहीं चलेगा। गुलाबू जी, आप किसी और की मदद नहीं कर सकती, ऐसे तो आप अपना चांस गवा देंगी। प्लीज आप लोग अपना अपना करिए। आप लोग का टाइम खत्म होता है अब, प्लीज स्टॉप। अब मैं अपने सभी प्रतिभागी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आ जाएं अपने अपने पॉइंट सुनने के लिए। गुलाबू जी, ये वेरी गुड आपके लिए ही है। नहीं सरोजनी, हमने बहुत अच्छा काम नहीं किया। आप ही ने कहा था ना कि आपने नहीं, परिस्थितियों ने पाला है इन्हें। गुलाबू जी, कल को भूल जाइए, अपने आने वाले कल के बारे में सोचिए। आपको सिर्फ सच्चे लोग ही मिलेंगे। अब मैं जज से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो प्रतियोगी के पॉइंट्स बताएं। अरे इन दोनों को एक नंबर नहीं मिलेगा। हम इनको अंडा देंगे, अंडा जीरो। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? अभी देखने कैसे मदद कर रहे थे उसकी, ये रूल का खिलाफ है। और इसीलिए दोनों का नंबर कटेगा। हाँ, अगर हेल्प किया है तो दोनों को नंबर देना चीटिंग को बढ़ावा देना बराबर है। अगर ऐसी बात है तो आप लोग मेरे नंबर काट लीजिए, मुझे जीरो दे दीजिए। बट प्लीज इन्हें डिस्क्वालीफाई मत कीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया है, गलती मेरी है। आज तक हमारे अपने बेटे ने हमारा साथ कभी नहीं दिया जितना कि ये लड़की दे रही है। देखिए, अगर मेरे नंबर कटेंगे तो ये काफी हद तक सही है, लेकिन अगर इनके नंबर काटे गए ना तो इसका सीधा मतलब है कि कोई अपने पर्सनल रीजन से इन्हें जीतने नहीं दे रहा है। कुमार, शायद तुम्हें पता नहीं मैडम जी क्या चीज है, वो तुम्हें इतनी आसानी से अन्याय नहीं करने देंगी।